हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार शिक्षक से रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन या बुलेटिन के माध्यम से हो या फिर अखबार के माध्यम से हो, मैं आप लोगों को सामने ला के रखता हूँ कि क्या सही है या क्या गलत है, क्या गलत छापा है, क्या सही है, ताकि आप लोग इसका मंथन जरूर कर पाए। तो दोस्तों, चलिए देखिए, आज जो है ना दैनिक भास्कर का पेपर है, ये कटिंग पटना 26/11/2023 का ये न्यूज प्रकाशित हुआ है। और इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है कि शिक्षक बहाली के मध्य में अधिसूचना, शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए तैयार, पूरी बीपीएससी ने कहा इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान आप हटा दिया गया है। 1,22,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 7 से 15 दिसंबर तक होगी। 7 तारीख से आपका एग्जाम प्रारंभ होगा, 15 दिसंबर तक आपको एग्जाम चलेगा। अब किस तरह से एग्जाम लेगा वो इस वीडियो में मैं लास्ट तक जरूर बताऊंगा। संशोधित शेड्यूल जारी, 1 दिन में 2 पाली, यानी 1 दिन में 2 पाली और शेष दिन एक ही पाली होगा। यानी फर्स्ट दिन में जो ना आपको 2 पाली का एग्जाम होगा, इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि बाकी बात जो आगे वाले समय रहेगा, नेक्स्ट डे से जो है ना आपको एक एक विषय का एग्जाम लिया जाएगा। अब इसमें देख लीजिए क्या करा है बीपीएससी ने स्कूल शिक्षकों की सेकेंड फेज की नियुक्ति का संशोधित शेड्यूल शनिवार को जारी कर दिया। इस फेज में कुल 1,22,000 शिक्षक नियुक्ति होने जा रहा है। इसका होने है इस इनकी लिखित परीक्षा 7 से 15 दिसंबर के बीच होगी। यह परीक्षा 7 दिसंबर के 2 पाली में तथा, यानी मैंने क्या बोला था शुरू में कि फर्स्ट दिन आपको 2 पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। यानी परीक्षा 7 दिसंबर को 2 पाली तथा 8 से 15 तक एक एक पाली में होगी। इस बात आयोग परीक्षा नियंत्रण से सूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत 7 दिसंबर के पहले पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का प्रधानाध्यापक पद के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अनुसूचित जाति एवं जन कल्याण विभाग तथा दूसरी पाली के दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संगीत व कला विषय की परीक्षा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 9वीं एवं 10वीं का अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद सभी परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अब देख लीजिए परीक्षा का श्रेणी क्या कड़ा है। सभी श्रेणियों के परीक्षा में एक एक नंबर के कुल 50 प्रश्न, यानी असंतुष्ट प्रश्न होगा। यानी एक क्वेश्चन पे आपको एक नंबर दिया जाएगा अगर आप सही टिक लगाते हैं तो, ठीक है। अगर एक नंबर आपको पूछ रहा है और उसमें अगर एक नंबर गलत हो, ठीक, अगर आप गलत लगा देंगे तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन पे एक मार्क आपको रहेगा। निगेटिव मार्किंग किसी में कोई शंके की बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। सभी श्रेणियों की परीक्षा में एक एक नंबर के कुल 150 प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक ही पेपर में भाषा सामान्य व संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। भाषा के 30 अंकों में 30% अंक हासिल करना जरूरी है। आप देख लीजिए दोस्तों कि आपको जो इससे पहले जो BPSC TR1 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है ना एग्ज़ाम दो लिया था। एक लिया था जो है भाषा का, जिसमें 30 मार्क जो है ना 100 में से लाना बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद इसमें जो मात्र 30 ही मार्क भाषा का परीक्षा लिया जाएगा और 120 मार्क का आपको जो है ना सिलेबस से रहेगा और 30 मार्क आपको बात 120 और 30 मार्क आपको जो है ना भाषा से रहेगा, ठीक है। और भाषा का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उनमें से आपको 30% जो है ना अंक लाना जरूरी है। अब देश तो अगर खुद निकाल लीजिए कि 30% का 30 अंक यानी 30 प्रश्न का मतलब 30 क्वेश्चन का जो है ना आपको आंसर पूछागा, मतलब 30 अंक का जो है ना परीक्षा लेगा भाषा का, उसमें से जो है ना आपको 30% लाना है। तो 30% निकालेंगे तो आपको 9 मार्क लाना अत्यंत जरूरी है। अगर आप 9 मार्क नहीं लाते हैं भाषा में तो आप फेल हो जाते हैं। इसलिए भाषा में जो है ना 30% लाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में रहेगा 120 ये रहेगा, उसी में सेट 30 अंक और रहेगा, यानी 150 का आपको जो है ना एग्ज़ाम पूछा जाएगा, ठीक है। विषय
सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय से, सामान्य ज्ञान से और आपका जो विषय है उसमें से 120 अंक प्राप्त के आधार पर मेगा सूची बनेगा, यानी मेगा सूची 120 अंक का जो प्रश्न पूछेगा आपको उन्हीं के अंदर 120 के अंदर ही में आप कितना सही किए उन्हें के आधार पर मेगा अंक सूची बनेगा। वेबसाइट नंबर इतना इतना पर जो है ना परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो आप इनके बारे में जो है ना जानकारी ले सकते हैं। चलिए और देख लीजिए आगे की परीक्षा की क्या रणनीति रहेगा, किस आधार से परीक्षा लिया जाएगा, इन तारीखों के इन वर्गों स्कूलों की परीक्षा ली जाएगी। अब देख लीजिए कौन कौन से स्कूलों के कौन कौन से तारीख को एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। 8 दिसंबर का देख लीजिए शिक्षा विभाग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वर्ग 9वीं एवं 10वीं का, यानी 8 दिसंबर को 9वीं और 10वीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6ठी से 10वीं वर्ग की संगीत एवं कला को छोड़कर परीक्षा होगी। इसमें हिंदी अंग्रेजी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान संस्कृति उर्दू फारसी बांग्ला ललित कला नृत्य शारीरिक शिक्षा मैथिली संगीत एवं कंप्यूटर का जो है ना एग्जाम आपको लिया जाएगा। 9 दिसंबर का देख लीजिए दोस्तों वर्ग 6 से 8 वर्ग के गणित एवं विज्ञान का सामाजिक विज्ञान परीक्षा होगी। हिंदी व अंग्रेजी के साथ साथ पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 8वीं की परीक्षा होगी, यानी 6 से 8वीं क्लास को जो है ना और जो है ना क्या कहते हैं 9 दिसंबर को आपको एग्जाम लिया। 10 दिसंबर को देख लीजिए 10 दिसंबर को वर्ग 6 से 8वीं के लिए अंग्रेजी हिंदी संस्कृत एवं उर्दू भाषा की परीक्षा होगी। यानी दोस्तों अगर ऑप्शनल विषय जिसका सब्सिडी में अगर हिंदी है, अगर हिस्ट्री मान लीजिए अगर आपको जो है ना क्या कहते हैं ऑनर्स होगा, तो आप जो है ना ऑप्शनल के आधार पर अगर विषय चुने होंगे, मान लीजिए हिंदी आपका अगर 2 साल तक ग्रेजुएशन में है तो उनके आधार पर आप जो है ना BPSC वाला फॉर्म भरे होंगे, तो आपको जो एग्ज़ाम 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को एग्जाम होगा। 14 दिसंबर को देख लीजिए दोस्तों शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति और जनजाति कल्याण विभाग के अधीन एवं 5 के सभी विषयों की 1 से 5वीं तक की परीक्षा जो है ना आपको 14 दिसंबर को होगा, और 15 देख लीजिए और 15 जो है ना 15 दिसंबर शिक्षा विभाग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के अधीन पर आगामी 12वीं के लिए सभी विषयों का परीक्षा होगा। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी न्यूज़ प्रकाशित होता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, वही मैं आप लोगों को समक्ष ला के रखता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो जो भी भाई बहन गृहिणी चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।